अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे ठीक और खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में स्टे होम स्टे सेफ की पॉलिसी को फॉलो कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पिछले टॉपिक्स आप बच्चों को पढ़ाए हैं वो आप बच्चों को अच्छी तरह समझ आए होंगे। मुझे आपके कमेंट्स भी मिले हैं, मुझे आपने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। ये बहुत ही एक खुशायल बात है कि आप बच्चे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और इनमें जो प्रॉब्लम्स निकल रही हैं वो मेरे से डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा आप बच्चों से रिक्वेस्ट यही है कि मेरी वीडियोस को देखा करें, उन्हें लाइक करें और उन्हें जितनी भी प्रॉब्लम्स निकले उन्हें ज़रूर डिस्कस करें। अच्छा बच्चों, लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक के बाद आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर में, और इसमें हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज स्टडी करेंगे हम उस हवाले से देखते हैं, दैट इज द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये हमारे आज के बेसिक टॉपिक का नाम है द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें जो बात समझने की है द मार्केट फोर्सेस, तो हम मार्केट फोर्सेस को दो हिस्सों में डिफाइन करेंगे। व्हाट इज अ मार्केट एंड व्हाट आर द मार्केट फोर्सेस, व्हाई वी नीड दीज मार्केट फोर्सेस, हाउ दीज फोर्सेस अप्लाई ऑन द मार्केट, हाउ दीज फोर्सेस इफेक्ट ऑन द मार्केट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डू दीज चेंजेस ब्रिंग इन सोसाइटी ब्रिंग एंड, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फोर्सेस हैं ये इफेक्ट क्या लाती हैं हमारी इकोनॉमी की, किन चीजों पर इनका इफेक्ट होता है, नॉन एज द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई कि हम ये देखेंगे कि मार्केट क्या है और मार्केट की फोर्सेस का इफेक्ट क्या है। अब हम देखते हैं व्हाट आर दोस फोर्सेस, वो दो फोर्सेस जो अभी हमने डिस्कस करनी है वो यहाँ पर लिखी है डिमांड एंड सप्लाई। इट डज नॉट मीन कि देयर आर ओनली टू फोर्सेस इन द मार्केट, देयर आर मेनी अदर फोर्सेस एज वेल, बट हियर इन दिस टॉपिक वी शैल स्टडी डिमांड एंड सप्लाई एज द फोर्सेस ऑफ मार्केट एंड देयर इफेक्ट ऑन द मार्केट। ऑन व्हाट थिंग, किस चीज पर इफेक्ट, especially on price of the commodity or goods and services and the quantity of goods and services, कि उस चीज की कीमत पर क्या असर पड़ेगा, किसकी वजह से, डिमांड और सप्लाई की वजह से, और उस चीज की तलब और रसद पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी उसकी कुल मिकदार पर क्या फर्क पड़ेगा। तो प्राइस की वजह से ही डिमांड एंड सप्लाई चेंज होगी, तो इन शॉर्ट वी कैन से दीज फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, how much will affect the prices of that particular commodity, uski wajah se share ki qeemat par kya asar padega, no doubt jaise hi price change hogi total scenario of the society will change, usme bahut sare ek price change hone ki wajah se bahut sare factor change ho jayenge, kyun, cheezon ki demand mein fark aayega, supply side ko dekhenge to unke profits aur revenue mein change aayega, government ko uski policies change karna padegi, ho sakta hai government ko intervention karna pade, हो सकता है गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ जाए, हो सकता है गवर्नमेंट को उस कमोडिटी पर टैक्स बढ़ाने पड़ जाए, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। तो हम इन्हें डिस्कस करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज अ मार्केट। जब हम बेटो बात करते हैं व्हाट इज अ मार्केट, तो देखिए मार्केट की डेफिनेशन मैंने लिखी है। अब मार्केट इज एनी स्ट्रक्चर दैट अलाउ बायर्स एंड सेलर टू एक्सचेंज एनी टाइप ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। तो क्या मतलब हुआ, सिंपल डेफिनेशन देखते हैं पहले। मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड, एक ऐसी जगह जहां अशिया और खिदमात का तबादला होता है उसे हम मार्केट कहते हैं। नंबर टू, एक प्लेस अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर इंटरेक्ट ईच अदर, जहां बायर्स और सेलर एक दूसरे से अशिया और खिदमात का तबादला करते हैं। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, कहता है एनी स्ट्रक्चर That allow buyers and sellers. Important चीज यहाँ भी वही है। There are buyers and there are sellers to exchange any type of goods and services. जहाँ पर goods and services का तबादला हो against money. सबसे important बात।
जो भी करंट प्रिवेलिंग उनकी यूज होगी मनी, दैट इज इट माइट बी रुपीज इन पाकिस्तान, इट माइट बी डॉलर्स इन यूएस एंड इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल, तो कहता है एंड इंफॉर्मेशन. तो इन चीजों की एक्सचेंज के लिए जहां बायर और सेलर आपस में मिलेंगे, हम उस जगह को मार्केट बोलेंगे. तो देखिए बच्चों, देयर आर टू थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मार्केट. अगर हम कहें कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मार्केट के, आपको वो सीखने पड़ेंगे. उसमें नंबर वन पर जो है वो देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा है बायर. सेकंड कंपोनेंट इसमें कौन है? सेलर. और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज. तो बायर होने चाहिए, सेलर होने चाहिए, और कोई ना कोई कमोडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज या इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज होनी चाहिए अगेंस्ट मनी. सर के इवज उन चीजों का तबादला होना चाहिए. तो जहां ये तमाम एक्टिविटीज पूरी हो रही होंगी, हम उसे मार्केट का नाम देंगे. अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स का क्या रोल है. बच्चों, हम बायर्स और सेलर के रोल को डिस्कस करने से पहले एक ब्रीफली शॉर्ट डायग्राम में या ब्रीफली स्लाइड में ये देखते हैं कि मार्केट कितने टाइप्स की होती है. तो देखिए बच्चों, जब हम मार्केट की टाइप्स को देखते हैं, तो मैंने दो तरह की मार्केट को एक्सप्लेन किया है. एक परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट एंड द सेकेंड वन इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट. लुक एट दिस, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट एंड द सेकेंड इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट. जब हम परफेक्ट कॉम्पिटेटिव और इम्परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट की बात करते हैं, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की मार्केट क्या होती है, अभी मैंने डिस्कस नहीं करना. पहले मैं आपको बताता हूं कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटेटिव की मार्केट की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती. देखो बच्चों, परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, इसकी मजीद टाइप्स नहीं हो सकती. लेकिन इम्परफेक्ट का मतलब है नामुकम्मल. अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट की टाइप्स है, वो मोनोपोली भी हो सकती है, वो डुओपोली भी हो सकती है, और उससे आगे क्या लिखा मैंने, वो ओलिगोपोली भी हो सकती है, और वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी हो सकता है. मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये डिफरेंट टाइप्स है मार्केट की. और उसके अगेंस्ट एक ऐसी मार्केट सिनेरियो विच इज परफेक्टली कंपेटिटिव, बिल्कुल बेहतरीन मार्केट, उसे हम परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट बोलते हैं. बच्चों, जो हम चैप्टर का नाम डिस्कस कर रहे हैं, फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस इन तमाम कैटेगरीज पर इंपैक्ट डालती है, असर डालती है. लेकिन मार्केट की फोर्सेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए, अच्छे तरीके से उसका इंपैक्ट स्टडी करने के लिए, जिस मार्केट को चूज किया जाता है, जिस मार्केट को कंसीडर किया जाता है, वो है बच्चों परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. एक ऐसी मार्केट जहां पर तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल्ड हो. फिर उस मार्केट पर जब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अप्लाई होंगी, तो उनका जो इम्पैक्ट है वो हम बड़ी अच्छे तरीके से और प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं. इसीलिए बच्चों, कौन सी मार्केट को जो है वो स्टडी के लिए यूज किया जाता है, दैट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. इट डज नॉट मीन कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन पर इम्पैक्ट नहीं होती, लेकिन इन पर उनका इम्पैक्ट इतना क्लियर नहीं होता, या इसमें समटाइम गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ सकती है. तो बच्चों देखते हैं परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट क्या होती है. यहां मैंने पांच कंडीशन लिखी हैं, आप बच्चे बोर्ड पर देख सकते हैं. जिस मार्केट में ये एटलीस्ट पांच कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, हम उसे परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट बोलते हैं. जब आपको मार्केट का समझ आ जाएगा, तो अब हम मूव करेंगे फोर्सेस दैट इंपैक्ट ऑन मार्केट, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई पर. तो हम देखते हैं वो पांच कंडीशन क्या है. तो देखो बच्चों, नंबर वन लिखी है ना, लार्ज नंबर ऑफ एजेंट्स. ये जो वर्ड एजेंट्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एजेंट्स का मतलब है बायर्स एंड सेलर्स, जो हमने मार्केट की डेफिनेशन में पढ़ा. तो ऐसी मार्केट में बायर्स भी बहुत ज्यादा होने चाहिए और सेलर्स भी बहुत ज्यादा होने चाहिए. तो जिस मार्केट में बायर्स और सेलर्स की लार्ज क्वांटिटी होगी, वो कंपेटिटिव मार्केट की पहली कंडीशन होगी.
अच्छा बच्चों, इसके बाद आप आते हैं सेकंड कंडीशन पर, होमोजीनियस प्रोडक्ट। जब बात आती है होमोजीनियस प्रोडक्ट की, तो देखो बेटू, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, बिल्कुल एक जैसे, यूनिफॉर्म। दैट इज कलर, क्वालिटी एंड प्राइस में अगर कमोडिटी बिल्कुल एक जैसी है तो उसे हम होमोजीनियस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो सेकंड कंडीशन यही है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। थर्ड कंडीशन ये है कि उस मार्केट में फर्म्स की एंट्री एंड एग्जिट पर किसी किस्म की गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस ना हो, बैरियर्स ना हो, ताकि कोई भी फर्म इजीली उस मार्केट में अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकती हो और इसके साथ साथ अपनी प्रोडक्ट को जो है वो दूसरी मार्केट तक भी पहुंचा सकती हो। इससे आगे मूव करते हैं स्टूडेंट और नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ऐसी मार्केट में बायर्स और सेलर्स की परफेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कमोडिटी की क्या मार्केट में सप्लाई आई है, मार्केट में उस चीज की कितनी डिमांड होगी और सबसे इंपॉर्टेंट उस चीज की क्या प्राइस डिटरमिन होगी, रैशनल कंज्यूमर होंगे और रैशनल ही प्रोड्यूसर होंगे। तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन का होना भी बहुत जरूरी है। इससे अगली देखिए बच्चों, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ इनपुट्स। देयर आर एक्चुअली फोर इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, दीज इनपुट्स की परफेक्ट मोबिलिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस, किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के हवाले से। अभी मेरा मकसद था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती कैसी है वो आपको डिस्कस करें। बच्चों प्रैक्टिकली आमतौर पर यह कहा जाता है कि दुनिया में परफेक्ट कंपटीशन की एग्जाम्पल ढूंढना बहुत मुश्किल है। आम जो हमारी जनरल बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें परफेक्ट कंपटीशन की बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलती। बाद जगहों पर राइटर लिखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट या ऐसी प्रोडक्ट जो होमोजीनियस भी हो, ऐसी प्रोडक्ट को फाइट करना या ऐसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लेकिन बच्चों मैं आपको तीन एग्जाम्पल देता हूं। नंबर वन, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की वीट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो ग्रेन, वीट जब हम लेते हैं तो वो तमाम क्लोजली परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट है। इसी तरह डेयरी आइटम्स, जो डेयरी से रिलेटेड है, जैसे दूध हो गया या तमाम चीजें हो गई, वो भी क्लोज परफेक्टली कंपेटिटिव है। फिर इसी तरह पोल्ट्री आइटम्स, जिसमें एग्स है, पोल्ट्री है, तो ये तमाम चीजें ओवरऑल एग्रीकल्चर के अंदर ही कंसिडर होती है। तो ये है वो मार्केट जिसे हम परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट बोलते हैं। इस मार्केट पर हम फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का इंपैक्ट देखेंगे कि किस तरह डिमांड और सप्लाई मार्केट पर इंपैक्ट या असर डालती है। तो बच्चों अब मैं वापस आऊंगा अपनी डेफिनेशन पर, बायर्स एंड सेलर पर। जब बात आती है बायर्स की, तो बच्चों बायर्स का ताल्लुक होता है खरीदारी करने से, डिमांड करने से, चीज की डिमांड करने से, और सेलर का ताल्लुक किससे होता है, उस चीज को सप्लाई करने से। तो बच्चों मार्केट में ही हमारी पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है कि जो फोर्सेस हैं उसमें एक साइड पर बायर है और दूसरी साइड पर कौन है, सेलर। तो यही दो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट हैं, यही दो फोर्सेस को लाने की वजह बनते हैं। यानी बायर्स की वजह से मार्केट में डिमांड इंपैक्ट करेगा, डिमांड फोर्स को स्टडी करेंगे, और सेलर की वजह से हम सप्लाई फोर्सेस को स्टडी करेंगे। और जब बात होती है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिमांड। जब तक आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक आप डिमांड थ्योरी और सप्लाई थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम इन फोर्सेस की एप्लीकेशन को नहीं पढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ डिमांड। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई। देन वी शैल सी द इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इक्विलिब्रियम एंड आफ्टरवर्ड द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये हमारा टोटल टॉपिक है बच्चों। हम मूव करते हैं सबसे पहले डिमांड थ्योरी पर कि डिमांड क्या है। ले बच्चों,
डिमांड थ्योरी। डिमांड थ्योरी में सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ डिमांड, डिमांड कहते किसको है और इकोनॉमिक्स में डिमांड को रिप्रेजेंट किससे करना है। तो बच्चों सबसे पहले आम जिंदगी में हम डिमांड डिजायर को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक गाड़ी चाहिए, आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आप बच्चों को बहुत सारा दौलत चाहिए, बहुत सारी ये सब चीजें हमारी डिमांड्स हैं। आप देखते हैं जब कोई स्ट्राइक पर जाता है तो अपना चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश करता है, हमें ये सब चीजें चाहिए। बच्चों ये सब चीजें उनकी ख्वाहिशात तो हो सकती हैं लेकिन डिमांड नहीं हो सकती, क्योंकि इकोनॉमिक्स में डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ सर्टन कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। दैट इज वो मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए डिमांड के लिए सबसे पहले डिजायर, फिर पावर टू परचेज और फिर अ स्पेसिफिक प्राइस, ये तीनों कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। ये तीनों कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको किसी चीज को खरीदने की ख्वाहिश हो, मिसाल के तौर पर मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूं, ये मेरी डिजायर भी है और डिमांड की पहली कंडीशन भी है। नंबर टू, फिर उस चीज को खरीदने के लिए मेरे पास पावर टू परचेज यानी उस चीज को खरीदने के रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को हम आम यूनिट्स में जर मनी का नाम देते हैं। उस गाड़ी को खरीदने के लिए मेरे पास पावर टू परचेज जर भी होना चाहिए, दौलत भी होनी चाहिए, पैसे भी होने चाहिए। फिर नंबर थ्री इंपॉर्टेंट कंडीशन, मस्ट बी एट अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्राइस, मैं उसे खरीदने के लिए तब तैयार होऊंगा जब मैं उसकी एक मखसूस कीमत तय कर लूंगा और मैं उस चीज को उस मखसूस कीमत पर खरीद लूंगा। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन गई। क्या बन गई? जब एक कंज्यूमर, जब एक बायर किसी भी शय को एक मखसूस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाए तो हम उसे डिमांड का नाम दें। फिर डेफिनेशन बोल रहा हूं, जब एक बायर किसी शय को, गुड को, गाड़ी को, घर को, किसी एक शय को एक मखसूस कीमत पर खरीदने के लिए एग्री हो जाए, राजी हो जाए, हम उसे डिमांड का नाम दे देंगे। तो बच्चों यही डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है, आप देख सकते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज। विलिंग टू परचेज का मतलब है खरीदने के लिए तैयार है, उस चीज को खरीदना चाहता है। कहां? एट एनी गिवन प्राइस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिस कीमत पर वो खरीदना चाहता है वो कीमत तयशुदा है और उसी कीमत पर वो उस मखसूस अरसे में खरीदना चाहता है। वक्त का एलिमेंट इसलिए ऐड किया है कि बाद का हालात चेंज होने पर अगर कीमत चेंज भी होगी तो हमारी डिमांड कम ज्यादा हो सकती है, चेंज हो सकती है। दैट विल बी डिस्कस्ड इन डिटरमिनेंट्स। तो बच्चों उम्मीद करता हूं डिमांड का मतलब आपको समझ आया होगा। अब ये जो डिमांड है इकोनॉमिक्स में इसको QD से रिप्रेजेंट करते हैं, QD क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम सप्लाई पर जाएंगे हम QS लिखेंगे, QS मीन क्वांटिटी सप्लाई। अभी हम चूंकि डिमांड पर हैं तो हम क्वांटिटी D क्वांटिटी डिमांडेड लिखेंगे। तो बच्चों इस डेफिनेशन के बाद नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड, कि ये डिमांड हम जो चीजों की कर रहे हैं ये किस तरह चेंज होती है, ये क्या फैक्टर है। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वापस जाना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आप जो चीज खरीद रहे हैं आप उसको ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे। फर्ज करें आप एक कमोडिटी है लाइक शुगर है, चीनी है, आप उसे खरीद रहे हैं, उसकी 70 रुपए किलो कीमत है और आप उसके 5 किलो या 6 किलो पूरे एक महीने में या हफ्ते में डिमांड करते हैं। बच्चों हमेशा डिमांड एक जैसी नहीं रहती, कभी ज्यादा हो सकती है और कभी कम हो सकती है। आप मुझे बताएं कि वो कौन कौन सी रीजंस हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से
कभी आप चीजों की डिमांड सेम कमोडिटी जो पहले आप 6 किलो या 5 किलो खरीद रहे थे या 4 लीटर या 5 लीटर में खरीद रहे थे या यूनिट्स में 1, 2, 3 में खरीद रहे थे उसकी डिमांड कभी बढ़ा देंगे और कभी कम कर देंगे। अच्छा बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं फिर आपको बता दूं, आप अपने पास नोटबुक और पेन रखें, आप इस टॉपिक को अच्छी तरह सुने समझें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएं, आपके पास रफ ड्राफ्ट तैयार होता रहेगा, वही आपके नोट्स होंगे। तो बच्चों आप मुझे बताएं वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आप चीजों की डिमांड कम ज्यादा करते हैं। जी बच्चों, जी शाबाश, वेदर, मौसम, मौसम गर्म होगा तो उसके मुताबिक चीजों की डिमांड होगी, प्राइस भी फैक्टर होगा, लेकिन अभी मैंने आपने जैसे वेदर बताया तो वेदर पर करते हैं। जी बेटे, जी सबसे पहला प्राइस, प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बाज़ुकात चीजों की डिमांड बढ़ती है और बाज़ुकात चीजों की डिमांड कम होती है। तो बेटो क्या रिलेशन रखेंगे, अगर फर्ज करें चीजों की कीमतें बढ़ती जाए, अगर चीजों की कीमतें बढ़ती जाए तो क्या करेंगे, चीजों की जो खरीदारी है डिमांड है वो ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक, आप चीजों की डिमांड कम करेंगे। और अगर चीजों की प्राइसेस कम हो जाए, सेल लग जाए, प्रमोशन लग जाए, तो उस वक्त आप लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, चीजों की डिमांड ज्यादा कर देते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक, इसका मतलब है प्राइस की वजह से चीजों की डिमांड कम ज्यादा होती है। तो बच्चों ये देखें, आपने कहा डिमांड चेंज हुई किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, और बताएं शाबाश, और बताएं। जी बच्चों शाबाश, इनकम की वजह से, जी बिल्कुल ठीक कहा बच्चों ने, इनकम की वजह से भी चीजों की डिमांड चेंज होती है। इनकम की वजह से जब चीजों की डिमांड चेंज होती है, और बताएं। जी शाबाश, फैशन की वजह से, वेदर की वजह से, टेस्ट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इन चीजों के जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनकी प्राइसेस की वजह से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से, और इस तरह के बहुत सारे फैक्टर हैं, इनकी वजह से कभी आप चीज को ज्यादा खरीदते हैं और कभी चीज को कम खरीदते हैं। तो ये देखें बच्चों, ये मैंने वो डिटरमिनेंट्स लिख दिए जिनकी वजह से चीजों की डिमांड कम ज्यादा होती है, और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, और तमाम जो पॉलिसी हैं वो इन्हीं डिटरमिनेंट्स को देखते हुए ही बनाई जाती है, इसलिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्राइस। तो बच्चों अभी आपने बताया प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है, कैसे चेंज होती है ये मैंने लिख दिया, प्राइस बढ़ी, आपने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी, और अगर प्राइस कम हुई तो क्या करेंगे, आप डिमांड बढ़ा देंगे। यानी कौन सा रिलेशन निकला, नेगेटिव इनवर्स। तो बच्चों हमने ये सीख लिया ये स्टूडेंट्स कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, नॉर्मली नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि प्राइस जो है वो चीजों पर इंपैक्ट तो करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आगे चीजों की कंडीशंस क्या है, नॉर्मल कंडीशन है और गुड्स नॉर्मल गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स है, ये चीजें वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लेकिन हम दूसरा फैक्टर देखते हैं। तो पहला समझ आ गया बच्चों, सेकेंड है इनकम। जी बच्चों, इनकम कैसे इफेक्ट करता है चीजों की डिमांड पर। जी बेटे, अगर आप लोगों की डिमांड बढ़ जाए, सॉरी अगर आप लोगों की इनकम बढ़ जाए तो खुशी तो बहुत होगी कि आज ऑफिस से खुशखबरी मेरी 5,000 तनख्वाह बढ़ गई, तो आप उस बढ़ी हुई इनकम से चीजों की डिमांड बढ़ाएंगे या कम करेंगे। जी बच्चों शाबाश, बढ़ाएंगे। जी बेटो आपका बढ़ाएंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं, एक आपको और क्लियर विजन देता हूं, हो आप जब इनकम बढ़ेगी तो चीजों की डिमांड बढ़ाएंगे, आप कुछ स्पेसिफिक लेवल अप करेंगे, वो चीजें जो आप पहले कम खरीद रहे थे
वो अब आप ज्यादा खरीदेंगे, ये जो चीजें आप नहीं खरीद सकते थे आप उन चीजों को अब खरीद लेंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट क्या होगा, कुछ चीजों की डिमांड कम भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लो इनकम की वजह से चिकन ज्यादा खरीदते थे और मटन गोश्त कम खरीदते थे, तो बच्चों जब आपकी इनकम बढ़ गई, डबल हो गई, तो आप मूव कर गए मटन की तरफ, तो आप चिकन की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो बताने का मकसद ये हुआ कि इनकम का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और नेगेटिव इफेक्ट भी होता है और न्यूट्रल इफेक्ट भी होता है। बास चीजों का इनकम से कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, नमक, आमदनी बढ़ने पर आप क्या नमक की मिकदार बढ़ा देंगे, नहीं ना बढ़ाएंगे, तो न्यूट्रल इफेक्ट। तो देखिए बच्चों, नंबर वन, इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकम बढ़ी, चीजों की डिमांड बढ़ गई, इनकम कम हुई, चीजों की डिमांड कम हो गई, ये रिलेशन ठीक है, पॉजिटिव। आप इसकी जगह चाहें तो ये रिलेशन भी लिख सकते हैं, इनकम बढ़ी तो चीजों की डिमांड कम हो गई, इनकम कम हुई तो चीजों की डिमांड बढ़ गई, ये रिलेशन भी ठीक है। इस रिलेशन के लिए मैंने दो चीजें लिखी हैं और वो दो चीजें हैं नॉर्मल गुड्स वर्सेस इंफीरियर गुड्स। ये जो केस है और ये जो केस है, ये इन्हीं दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है कि नॉर्मल गुड्स को हम इनकम बढ़ने पर ज्यादा खरीदते हैं। इनफीरियर, इनफीरियर का वैसे मतलब होता है घटिया, इस्तेमाल में चीज आने वाली कम, लेकिन इसका मतलब, इनफीरियर का मतलब कोई चीज लो क्वालिटी चीज नहीं है। इनफीरियर से मुराद ये है जो निस्बतन कीमत में कम होती है और लोगों की आमदनियां कम होने की वजह से वो खरीद रहे होते हैं, हम उनको इनफीरियर गुड्स बोलते हैं। तो बच्चों, जो इनफीरियर गुड्स होती है वो लो क्वालिटी नहीं होती, सिर्फ हम उनको कीमत कम होने की वजह से मजबूरन खरीद रहे होते हैं, और जब हमारी आमदनियां बढ़ती हैं तो हम उन इंफीरियर गुड्स की खरीदारी ज्यादा नहीं करते, कम कर देते। मतलब आप अमीर हो गए, लॉटरी निकल गई, दौलतमंद हो गए रातों रात, या आपको जॉब मिल गई, तो जब आप पहले आलू खाते थे या घर में कोई दाल ज्यादा बनती थी, तो अब आप उसको छोड़कर उससे अच्छी और बेहतर चीजों की तरफ जाएंगे। आपके पास अगर बाईसाइकिल थी तो आप मोटरसाइकिल और गाड़ी की तरफ जाएंगे, तो उन चीजों की डिमांड कम हो जाती है। तो बच्चों ये देखें, ये है नॉर्मल गुड्स, और ये केस किसमें हुआ, इंफीरियर गुड्स। ये बताने की वजह ये थी कि हो ना हो कि कभी आप एग्जाम दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, और आपको पता ही ना हो कि इनकम बढ़ने पर सिर्फ डिमांड बढ़ती नहीं, कम भी हो सकती है, न्यूट्रल भी रह सकती है। तो बच्चों, आप से जो एग्जामिनर क्वेश्चन करे, आप उसके मुताबिक आंसर करें। आप उन्हें बताएं कि इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है लेकिन नॉर्मल गुड्स की बढ़ती है, और इनकम बढ़ने पर डिमांड कम होती है लेकिन इंफीरियर गुड्स की बढ़ती है। इंफीरियर गुड्स क्या होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अच्छा देखें, थर्ड डिटर्मिनेंट है कंज्यूमर इन द मार्केट, द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट से मुराद क्या है बच्चों, कि जब हम बात करते हैं मार्केट में खरीदारों की तादाद, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाए, वर्ड लिया था ना मैंने, या लोगों की जो तादाद है माइग्रेट करके आ जाए, या देहातों से शहरों की तरफ आ जाए और कंज्यूमर मार्केट में बढ़ जाए, तो जब मार्केट में लोग ज्यादा आएंगे तो चीजों की डिमांड भी बेटो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लोग चीजों की डिमांड भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो बच्चों ये भी आपको पता चला। नेक्स्ट देखें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स वर्सेस कॉम्प्लीमेंट्स, हम अभी डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन हम पहले देखते हैं प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो मुझे बताएं बच्चों, अगर फर्ज करें चाय और कॉफी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, अगर मार्केट इसी तरह वीट और राइस, आप गंदम और चावल की एग्जांपल भी ले सकते हैं, अगर मार्केट में चाय की कीमत बढ़ जाए तो लोग किसकी तरफ मूव करेंगे, कॉफी की तरफ,
इसका मतलब है एक शेयर की प्राइस बढ़ी है और लोगों की डिमांड किसकी तरफ चली गई? कॉफी की तरफ। अच्छा, पेप्सी और कोक एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। अगर पेप्सी की कीमत बढ़ जाए तो लोग किसकी तरफ प्रेफर करना शुरू कर देंगे? जी बच्चों बिल्कुल ठीक, डिमांड की तरफ जाना शुरू, कोक की तरफ जाना शुरू कर देंगे, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर पेप्सी की कीमत कम हो गई, अगर पेप्सी की कीमत कम हो गई तो कोक लवर्स भी किसकी तरफ मूव करेंगे? पेप्सी की तरफ। तो कोक की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो गई बच्चों? कम हो गई। तो इसका मतलब है रिलेटेड गुड्स, जो चीजें दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती है, उनकी कीमतें चीजों की डिमांड को कम ज्यादा करने की वजह बनती है। तो सब्स्टिट्यूट की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसी चीजें जो एक दूसरे के नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, जो एक दूसरे का अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। जब एक चीज की कीमत बदलती है तो उसका इंपैक्ट दूसरे चीज की डिमांड पर पड़ता है। ये देखें, एक तरफ मैंने लिखा पेप्सी, एक तरफ मैंने लिखा कोक, इसकी प्राइस थी 20, इसकी प्राइस भी थी 20, इसकी डिमांड थी 100 लीटर्स, इसकी डिमांड थी 100 लीटर्स, इसकी प्राइस कर दी 10। तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा कोक की डिमांड पर, इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आप बताएं? बिल्कुल ठीक, ऑफ कोर्स इसकी डिमांड कम होगी ना, तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ रिलेटेड गुड्स और इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स। तो सब्स्टिट्यूट की कीमतों में तब्दीली आने की वजह से भी डिमांड में तब्दीली आती है। और दूसरी चीज है बेटो कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? दुनिया में कई चीजें एक दूसरे के साथ लाजम और मलजूम होती हैं। क्या मतलब? आपने गाड़ी ली है तो मुझे बताएं कि गाड़ी के साथ और क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी? जी पेट्रोल। तो अगर एक चीज की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी शेयर की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बच्चों जब हम बात करते हैं इनमें से किसी एक चीज की कीमत बढ़ने की, फर्ज करें पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जाए तो क्या नतीजा निकलेगा? इसका कंप्लीमेंट है जो चीजें इनके साथ इस्तेमाल होती है, गाड़ियां मोटरसाइकिल, उनकी भी डिमांड पेट्रोल के साथ फिर कम होती जाएगी। और इसी तरह अगर गाड़ियों की कीमतें बढ़ती जाए तो उसका कंप्लीमेंट है पेट्रोल, तो पेट्रोल की डिमांड भी उसके मुकाबले में गाड़ियों की डिमांड भी कम होगी, तो उसके साथ पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसी अशिया जो एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम होती है, कंपल्सरी होती है, हम उन्हें कंप्लीमेंट्स का नाम देते हैं। तो बच्चों इनकी वजह से भी डिमांड चेंज हुई। अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और वो है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसिंग एंड इनकम। आप सोचते हैं आने वाले दिनों में चीज की कीमत कम होने वाली है, तो आप अभी डिमांड बढ़ाओगे कि कम करोगे? बताएं। सबसे पहली बात, डिमांड में इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपको ये पता लग जाए आने वाले दिनों में चीज की कीमत कम होने वाली है, आप फौरन अपनी डिमांड कम कर लोगे। बस यही बताना था मकसद कि जैसे ही फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन आती है चीजों की डिमांड कम भी हो जाती है बेटो और ज्यादा भी हो सकती है। अगर आपको पता लगे 10 दिन बाद चीजों की कीमतें बढ़ने वाली है तो आप अभी अभी क्या करेंगे? अपनी चीज की डिमांड बढ़ा देंगे। नॉर्मली ऐसा पेट्रोल में होता है, आम प्रैक्टिकल लाइफ की अगर एग्जाम्पल दूं तो जब 1 तारीख आने वाली होती है 30 तारीख, और टीवी पर पहले ही स्लाइड चल रही होती है कि कीमत में 20 रुपए इजाफा, 15 रुपए होने का इम्कान, हम फौरन अपनी टैंकी गाड़ी की या मोटरसाइकिल की फिल करवा लेते हैं कि कल परसों इसकी कीमत बढ़ने वाली है, तो हमने पहले ही डिमांड बढ़ा दी। अगर जरूरत नहीं है तब भी हमने करवा ली। तो बच्चों ये तमाम फैक्टर है जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अब मैं ये सारी चीजें एक रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन की शक्ल में लिखूंगा, तो उससे आपको जो है वो बहुत बड़ी चीज को बहुत कंप्राइज्ड करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका आ जाएगा, और उसे कहते हैं फंक्शनल फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटो? फंक्शनल फॉर्म। ये देखिए, हम ये कह सकते हैं इस तमाम डिबेट से कि जो डिमांड है वो चेंज होती है किसकी वजह से?
पी फॉर प्राइस की वजह से मैंने उसे लिख लिया कॉमा। इनकम के लिए क्या वर्ड यूज किया था मैंने, वाई, वाई की वजह से। टेस्ट के लिए टेस्ट ही लिख दे आप, इसकी जगह टेस्ट के लिए कोई टी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड पीआर, पीआर स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये इसकी वजह से भी चेंज होती है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन को ईएक्सपी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। टेक्नोलॉजी की वजह से टीईसी, पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन को इकोनॉमिक्स में एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन। ये वो तमाम बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आम जिंदगी में बेटो क्या होता है, हमारी चीजों की जो डिमांड है कभी वो बढ़ जाती है कभी वो कम हो जाती है। बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर छोड़ा मैंने, वो भी लिख लो, वो है वेदर, मौसम। इसकी वजह से भी चीजों की डिमांड कम होती है और ज्यादा होती है। तो बच्चों मैंने ये सारी चीजों को एक इक्वेशन में लिख दिया। इस इक्वेशन की मदद से जब हम हायर लेवल पर जाते हैं तो हम ये इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखने की बजाय एक फंक्शनल रिलेशन की शक्ल में ये लिख सकते हैं कि जनाब डिमांड इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट रखता है, इन तमाम चीजों की वजह से डिमांड चेंज होती है। बच्चों जब इतनी चीजों का रिलेशन डिमांड के साथ है, ये तमाम वेरिएबल्स हैं, ये तमाम क्या है, वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वो आए दिनों में चेंज होते रहते हैं। तो देखो बच्चों ये सब चेंज होते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम देते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इनकी वजह से डिमांड आए दिन चेंज होती है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है हम एक वक्त में डिमांड का रिलेशन इतने सारे वेरिएबल्स के साथ मेजर नहीं कर सकते। फिर हमें एक्चुअल वन बाय वन वेरिएबल के साथ डिमांड को लेना पड़ेगा, यानी ये जितने वेरिएबल्स लिखे हैं इन सब का डिमांड के साथ अलग अलग रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी का रिलेशन पॉजिटिव है किसी का रिलेशन नेगेटिव है, और हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस फैक्टर की वजह से डिमांड में ज्यादा चेंज आया है और किस फैक्टर की वजह से डिमांड में कम चेंज आया है। और चूंकि डिमांड के इतने सारे फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, प्राइस है। तो जब प्राइस इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले डिमांड का जो फंक्शनल रिलेशन देखेंगे वो प्राइस के साथ देखेंगे, और कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कॉन्स्टेंट, हम बाकी तमाम फैक्टर्स को वक्ती तौर पर कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेंगे। कॉन्स्टेंट जब इकोनॉमिक्स में, अच्छा यहां मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इकोनॉमिक्स में जिन वेरिएबल्स को हम कंसिडर करते हैं कॉन्स्टेंट लेकिन वो एक्चुअली चेंज होते हैं उनको पैरामीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। तो देखिए बच्चों हम अज्यूम करते हैं कि वेदर चेंज नहीं होता, पॉपुलेशन चेंज नहीं होती, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस चेंज नहीं होती, रिलेटेड प्राइस चेंज नहीं होता, टेस्ट चेंज नहीं होता, इनकम चेंज नहीं होता, सिर्फ डिमांड के साथ कौन चेंज होता है, प्राइस, या प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है। तो पहला फंक्शनल रिलेशन निकला, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। और इसी रिलेशन को, ये जो रिलेशन है कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ये इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कीमत बढ़ने पर हम चीजों की डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और कीमत कम होने पर चीजों की डिमांड बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ डिमांड एंड प्राइस हैव नेगेटिव रिलेशन, एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। व्हेन प्राइस चेंजेस डिमांड आल्सो चेंजेस, बट इन एन ऑपोजिट वे, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस।
इस इनवर्स रिलेशन को ही हम लॉ ऑफ डिमांड का नाम देते हैं. बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग बट अ नेगेटिव रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. इसको हम इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड का नाम देते हैं. बच्चों सवाल ये उठता है कि प्राइस के साथ तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया, इनकम के साथ कौन सा लॉ हो गया, पीआर के साथ लॉ का नाम क्या होगा? तो बच्चों जब पूरी दुनिया में रिसर्च की गई तो सबसे ज्यादा डिमांड प्राइस की वजह से चेंज हुई. किसकी वजह से? प्राइस की वजह से. इसलिए इसी फैक्टर की वजह से सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कानून बन गया और दीगर अदर फैक्टर्स को हमने कुछ नेम तो दे दिया, इनकम रिलेशन, प्राइस रिलेटेड गुड रिलेशन, लेकिन उसको लॉ का नाम नहीं दिया गया. तो लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग जस्ट अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो बच्चों अब हम वही क्वांटिटी डिमांडेड के लॉ को आम सिंपल जुबान में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में मेरी बड़ी एक इंपॉर्टेंट टिप याद रखनी है आपने. वो टिप क्या है? वो टिप ये है कि किसी भी लॉ को या किसी भी रिलेशन को चार तरीकों से लिखना इकोनॉमिक्स की एक्सप्लेनेशन कहलाता है. इकोनॉमिक्स में एक ही कॉन्सेप्ट को चार तरीकों से लिखा जा सकता है. नंबर वन हेडिंग, नेम ऑफ द लॉ. क्या नाम लिया मैंने? लॉ ऑफ डिमांड, पहला हो गया. अब लॉ ऑफ डिमांड में आपको पता होना चाहिए कि डिमांड और किसका रिलेशन है? प्राइस का रिलेशन है. और जो उनके दरमियान रिलेशन है वो आप इंग्लिश में लिख देंगे तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी. पहले आपने लॉ ऑफ डिमांड लिखा क्योंकि आपने डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशन लिखना है और उस इनवर्स रिलेशन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड. तो इकोनॉमिक्स में पहली जुबान आपने हेडिंग की शक्ल में लिख दी. फिर प्राइस और डिमांड के उस इनवर्स रिलेशन को आप इंग्लिश में लिख देंगे तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी. कीमत बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, कीमत कम हुई तो डिमांड ज्यादा हो गई. फिर इसी तरह जब आपने उसको एक स्केजुअल या मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, एक तरफ प्राइसेस ली, एक तरफ डिमांड ली और उसे एक्सप्लेन कर दिया, तो वो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई. फिर इसी तरह आप उसको ग्राफिकल डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दें, एक तरफ प्राइस लिखें, एक तरफ क्वांटिटी डिमांड लिखें और सेम इनवर्स रिलेशन को डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दें, तो आपने वही बात जो लॉ ऑफ डिमांड थी, जो रिलेशन था उसे डेफिनेशन में लिखा, वही रिलेशन आपने टेबल में या स्केजुअल में बनाकर दिखा दिया और वही चीज आपने डायग्राम में बनाकर दिखा दी. और जो फैक्टर चेंज होते हैं जैसे इनकम, टेस्ट, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, उन्हें हम अजम्पशंस के तौर पर लिख देते हैं. किसके तौर पर लिख देते हैं? अजम्पशंस के तौर पर कि ये चेंज नहीं होने चाहिए ताकि हम डिमांड और प्राइस का एक्चुअल रिलेशन फाइंड कर सके, उन दोनों के दरमियान होने वाले इनवर्स रिलेशन को कैलकुलेट कर सके.